हे गाइस, वेलकम टू बैक एक और नई वीडियो में। भाई आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीवो की तरफ से आने वाले अपकमिंग स्मार्टफोन जिसका नाम होगा वीवो S16 Pro। भाई ये स्मार्टफोन की काफ़ी लीक्स निकल करके आ रही है कि इसे इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा और सारी की सारी स्पेसिफिकेशन भी कन्फर्म हो चुकी है। तो गाइज इस बार हमें वीवो के इस फोन में काफ़ी अपडेट्स देखने को मिलेगा जिसमें 120Hz एमोलेड डिस्प्ले के साथ क्वाइट कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 108MP का इसका मेन कैमरा होगा। तो गाइज ये स्मार्टफोन को इंडिया के अंदर कब तक लॉन्च किया जाएगा और इंडिया प्राइस क्या होने वाली है, साथ ही किस स्पेसिफिकेशन पर हमको देखने को मिलेगा, सब कुछ हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके लुक और डिजाइन को लेकर के बात करेंगे। तो वीवो के इस फोन में हमें इस बार काफी बेहतरीन डिजाइन देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड रहेगा। ट्रिपल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें आप 2 SIM एक माइक्रो एसडी कार्ड अलग से यूज कर पाओगे। और हाँ गाइस, इस बार इस फोन को 3 वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। इसका जो पहला वेरिएंट होगा वो 6GB की रैम, 128GB का स्टोरेज दिया जाएगा। दोस्तों इसका जो टॉप वेरिएंट रहेगा वो 12GB की रैम, 256GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो गाइस अगर इसके अलावा इस फोन के हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे यानी कि प्रोसेसर की, तो इस फोन में हमें MediaTek की तरफ से MediaTek Dimensity 1200 का चिपसेट यूज किया जाएगा जो की 6nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। भाई ये चिपसेट काफी पावरफुल दमदार है जिसमें आप नॉर्मल काम इजिली कर पाओगे, साथ में गेमिंग वगैरह भी काफी बढ़िया से कर सकती हो। तो दोस्तों अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें आपको 6.56 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन की एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगी और ये डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले होने वाली है। तो भाई बता दो की डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको काफी बेहतरीन क्वालिटी की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर हम इसके कैमरा की बात करेंगे तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो की 108MP का प्राइमरी कैमरा होगा, 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल, 5MP का माइक्रो जबकि 2MP का डेप्थ सेंसर कैमरा दिया जाएगा। सेल्फी के लिए इसमें आपको 50MP का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा। दोस्तों इसके बैक कैमरा एंड फ्रंट कैमरा से आप फुल एचडी 30fps से वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। तो दोस्तों कैमरा क्वालिटी भी इसका काफी जबरदस्त का देखने को मिलेगा जिसकी हेल्प से आप काफी बेटर क्वालिटी की फोटो भी क्लिक कर पाओगे। वहीं पर इस फोन में पावर बैकअप के लिए 67W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4600mAh की बैटरी दी जाएगी। चार्जिंग के लिए USB टाइप सी केबल रहेगा। गाइस अगर इस फोन के हम सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों दिया जाएगा। 3.5mm का हेडफोन जैक भी प्रोवाइड किया जाएगा। LPDDR4X का रैम भी रहेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइस की। तो यह स्मार्टफोन आपको 12GB की रैम, 256GB की इंटरनल स्टोरेज की एक्सपेक्टेड प्राइस है 35,000 रुपया। अब हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट है 15 फरवरी 2023। उम्मीद है तब तक ये इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा।